वाले सुनो सुनो, पीछे वाले सुनो सुनो, ऊपर वाला सुन रहा है, नीचे वाले सुनो सुनो। देश हमारा बड़ा महान, पर नारी का यह ना सम्मान, नारी का हर कदम कदम पर करते हम अपमान, पर फिर भी वंदे मातरम। नारी की इस व्यथा को हम आज सुनाने आए हैं, नारी है सम्मान की पात्र, ये समझाने आए हैं हम, ये समझाने आए हैं हम, ये बतलाने आए हैं। तो आइए बढ़ चलते हैं नाटक की तरफ और देखते हैं कि एक नन्ही सी कली के प्रति समाज की कैसी सोच है। आ गया बेटा, जल्दी बता क्या खुशखबरी है, मेरा पोता तो ठीक है ना? माँ वो अरे वो क्या लगा रखी है, जल्दी बता खुशखबरी कब मिलेगी? माँ वो एक्चुअली लड़का नहीं लड़की है। क्या लड़की है, ये क्या बात हुई? इस मनहूस ने तो हमारे खानदान के नाम पर कलंक लगा दिया है। अरे अगर तेरे पिताजी को पता चल गया वो तो आसमान को सर पे उठा लेंगे, हमें नहीं चाहिए इस घर में कोई बोझ, और हम कहाँ ढोते फिरेंगे इस बोझ को जगे जगे, और वैसे भी हमने क्या करना इस पत्थर का, बताओ बेगाने धन को अपने पास रखकर हमें क्या फायदा? जन्मने से पहले ही है उसको मार दिया, ऐसा घिनौना अत्याचार लोगों ने क्यों किया। देखा आपने, ये है हमारे देश में लड़की के प्रति लोगों की गिरी हुई सोच, जो एक तरफ तो नारी को लक्ष्मी दुर्गा जैसी देवी का रूप मानते हैं और दूसरी तरफ उस देवी को अपने घर में जन्म तक नहीं लेने देते। धिक्कार है आज समाज के ऐसे दोगलेपन पे, जो ये चाहते हैं कि उनके घर में एक संस्कारी नारी बहू के रूप में तो आए, परंतु ये नहीं चाहते कि कोई संस्कारों की धनी नारी उनके खुद के घर में जन्म ले।